जहाँ विजु जनता दल टिकेट मनाही जाइछि से स्वाभाविक भाव भारतीय जनता पार्टी पाक जीव कहीं जीव कहते कैंडिडेट ना भाई 147 विधानसभा एवं 21 लोकसभा आसन पुणी लड़े केमती लड़े यही तीन टा कैटेगरी लड़े आम भी गणमाध्यम ए प्रकार गुजब शुणुचु जो मेंटो गुजब एवं आम जहां बुझुचु कि जो ओडिशा भारतीय जनता पार्टी किसी नेतृवृंद किसी नेता एक प्रकार गुजब को गणमाध्यम माध्यम बेसी प्रचार प्रसार करोचंती आमी भी बुझिपारिबो एटा होची आमर उत्तर पाइले त माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक विकासमूलक कार्य एवं जनकल्याणकारी कार्य सहित 5T प्रकरण रे ओडिशा रो जो प्रकार भाव रूपांतरीकरण कार्य चली विकासमूलक कार्य पाई आज राजनैतिक दृष्टि विजु जनता दल एक सुदृढ़ स्थिति रे सुदृढ़ स्थान रे आसंता निर्वाचन रे आपण जानी खुशी हेबे जे विजु जनता दल ओडिशा विधानसभा निर्वाचन रे 120 रु ऊर्ध सीट एवं लोकसभा निर्वाचन रे 17 रु अधिक सीट जितिबाकु जाउछि 4.5 कोटी ओडिशा वासींकर आशीर्वाद क्रमे से माने मन बनई सारिछंती जे तांकर अति प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को षष्ठ थर पाई आउ थरे से माने मुख्यमंत्री करिया को चाहूछंती एवं करिवे एवं रेकॉर्ड संख्यक सीट जितेकिरी से माने माननीय मुख्यमंत्री को एई आशीर्वाद टी देबे आमको देखिवा को मिलुची जे ओडिशा रो भारतीय जनता पार्टी किछि नेता को पाछोटी नउची से माने किए जो मानकु विजु जनता दल काढ़ी देछि से मानको जनविरोधी कार्य पाई से माने जो नांकु की विजु जनता दल राव टिकेट मिलिवनी से माने एबने जो माने विजु जनता दल रे तांकर किछि भविष्यत नाही से माने आपण कहिबे ए प्रकार लोकों को काहिं की ओडिशा रो भारतीय जनता पार्टी पाछोटी नउछि एथिपाई पाछोटी नउछि कारण 147 विधानसभा एवं 21 लोकसभा सीट रे भारतीय जनता पार्टी पाखरे कैंडिडेट नाहंती प्रत्याशी नाहंती सेथिपाई ए प्रकार नेता जो माने जनविरोधी कार्य पाई विजु जनता दलरु तड़ा हेथिले जो मानको कि विजु जनता दल टिकेट दबो नाही किछि संभावना नाही किंबा विजु जनता दल रे जो मानकर आउ कोनोसी भविष्यत नाही से प्रकार लोकंकु आज भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा पाछोटी नउछे सविशेष रे एति कहियाकु चाहिबु जे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक नेतृत्व रे विजु जनता दल सबुबेले ओडिशा वासींकर कार्य रे कार्यरत रहिछि ओडिशा रो विकास रे कार्यरत रहिछि ओडिशा वासींक सहित आमे थिलु अछु ओ सदा सर्वदा रहिबु ए विश्वास ए भरोसा एवं ए दृढ़ प्रतिबद्धता विजु जनता दल रो 4.5 कोटी ओडिशा वासींक सहित रे सदा सर्वदा रहिबो आमे भी गणमाध्यम रे ए प्रकार गुजब सुनुचु ए जो मेंटो गुजब एवं आमे जहां बुझुचु कि जो ओडिशा भारतीय जनता पार्टी किसी नेतृवृंद किसी नेता एक प्रकार गुजब को गणमाध्यम माध्यम बेसी प्रचार प्रसार करोचंती आमी भी बुझिपारिबो एटा होची आमर उत्तर पाइले त आइदर तड़ा खाइथिबे विजु जनता दल रु आपनकर जन विरोधी कार्यक्रम पाई से माने जॉइन करिवे जो मानको विजु जनता दल टिकेट दबो नाही बोली निष्पत्ति नहीं जणा हो जाइछि से माने जॉइन करिवे
କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କୌଣସି ଜଣେ ନେତା ଆଜି କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ମାନେ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ଟା ହାତରେ ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବ କି? ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ମନା ହେଇଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ଯିବ? କାରଣ ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ। 147 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ୍ତା ପୁଣି ଲଢ଼େଇବେ, କେମିତି ଲଢ଼େଇବେ? ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ନେଇକି ଲଢ଼େଇବେ। ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ? ଶ୍ରୀ ଢାଲିଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାହେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଢାଲି ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଆଉ ଦେବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି 147 ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ 21 ଲୋକସଭାରେ ସବିଶେଷରେ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଢାଲି ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଦେବ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ସେ ପୁରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା କି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଇଦର ତଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଟିକେଟ୍ର, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। କେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ ହାତରେ ରଖିକିରି ସେଠିକି ଯାଉଛି କି? ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକତା ସେଇଟା।